जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम पृष्ठ संख्या 242 आरंभ कर रहे हैं। सोहत जनु जुग जलज सनाला सी सही सभित देई जय माला गाँव ही छवि अब लोक ही सहेली सिय जय माल राम उर मेली। अब सीता जी को जब वो पहनाने के लिए कहा गया है जयमाला, तो उनसे पहनाई नहीं जा रही है, तो उसके पश्चात क्या होता है? उस समय उनके हाथ में ऐसे सुशोभित हो रही है मानो दंडी सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाना गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। दोहा है रघुवर उर जयमाल देखी देव बरी सही सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकई रवि कुमुद गण। श्री रघुनाथ जी के हृदय का जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजगण राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुद का समूह सिकुड़ जाता है। पुर अरु व्योम बजाने बाजे खल भय मलीन साधु सब राजे सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही देही आशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। नाचही गावही विबुध धूटी बार बार कुसुम मंजली छूटी जहता वृप वेद धुनी करही बंदी बिरदावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्प की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्रह्मा ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग बिरदावली बखान कर रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा राम बरी सिया भंजे हो चापा करही आरती पुर नर नारी दे निछावर बित्ती वित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है। श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया है, सीता का वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजा पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य में बहुत अधिक न्योछावर कर रहे हैं। अब वो इतना लुटाने लग गए क्योंकि उनके मन की बात हो गई है, तो वो न्योछावर कर रहे हैं। जो उनके सामर्थ्य में भी नहीं है तो भी जो है वो भी न्योछावर कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि आगे क्या होगा। सी सीता राम जी की जोड़ी सोहित सिया राम के जोरी छवि सिंगार मनोहु एक ठोरी सखी कही प्रभु पद गहू सीता करती न चरण परस अति भीता। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता को श्रृंगार रस एकत्र हो गया हो। सखियां कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई चरण नहीं छू पा रही है। क्योंकि ये देखिए इस चीज से हम सब गुजरे हैं। एक समय जब विवाह का समय होता है तब स्त्री जो लड़कियां होती है वो मायका छूटने के भय से भयभीत रहती है, और जो जिसके साथ हमें जाना है उनके लिए कई प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। उनको स्पर्श करना प्रथम बार एक तरह से अजीब एक अनुभूति होती है, भय होता है, शर्म होती है। तो वही सीता जी में एक युवा स्त्री की तरह एक युवा की तरह छलक रहा है। दोहा है गौतम तिय गति सूरत करे ही नहीं पर सती पग पानी मन बिहसे रघुवंश समी समनी प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र मन में हंस रहे हैं। अब उन्हें देखिए, उन्होंने उनका मन में आह्वान किया अहिल्या जी का और उनके चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं, लेकिन इस चीज को हमारे प्रभु समझ गए हैं और वो इस चीज को समझ के मुस्कुरा रहे हैं, मन में मुस्कुरा रहे हैं। तब सीधे की भूप अभिलाषे कूर कपूत मूढ़ मन माखे उठी उठी पहिरी सनाह अभागे जह तह गाल बजावन लागे। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए, वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। उनके मन की नहीं हुई, सीता जैसी भव्य स्त्री भी उनके पांजे में नहीं आई,
क्योंकि किसी कर्म के आप हो ही नहीं तो आपके पास कैसे आएगी, और आपकी कृति भी ऐसी ही है, आपकी मनसा भी ऐसी ही है, और प्रथम में तो वो है ही नहीं आपके लिए, वो तो जगत माता है, लेकिन उन्होंने एक स्वरूप धारण किया है जो कि जगत पिता के लिए था, लेकिन आप अज्ञानवश उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो ये आपकी मूर्खता है। तो ऐसे लोगों को मूढ़ बोला गया है, और वो अपने जो भी उनके कवच है वो पहन पहन कर गाल बजाने लगे, जहां तहां जो सो बोलने लगे। लेहु छड़ा इसी कह कोई धरी बाधा बधाऊ नृप बालक दो तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई जीवत हम ही कुंवरी को वरे। कोई कहते कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं रहे नहीं सहरेगी पूरी होगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन प्यार सकता है। अब वो मूर्ख राजा इस प्रकार के वचन भी बोलने लगे। जो वेदे हूँ कछु करे सहाई जीत हूँ समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनी वानी राज समाज इलाज लजानी। यदि जनक का सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लज्जा आ रही है। अब क्या हुआ, जो युद्ध करने के प्रवृत्ति में आ गए कि हमें युद्ध करना है और सीता को ले जाना है, यदि इसमें जनक जी इन दोनों राजकुमारों की सहायता करते हैं तो जनक जी को भी बंदी बना लिया जाए। अब जो साधु और जो अच्छे राजा है उन्होंने इस राज समाज को निर्लज्ज कह दिया, कहा कि किस प्रकार की वक्तव्य आप कर रहे हैं, निर्लज्ज कहा। फिर क्या हुआ, बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कही संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहू पाई असी बुधि तो विधि महु मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं इससे मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख का कालिख लगा दी है। वही वीरता है तुम्हारी जो धनुष उठाते समय कुछ भी नहीं थी, शून्य हो चुकी थी। अगर वही वीरता है तो उसी वीरता से तुम क्या इनसे लड़ने आए हो जिन्होंने धनुष को तोड़ दिया है, तुम मूर्खता कर रहे हो, और इसीलिए प्रभु ने तुम्हारे कालिक पोती है तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारी जो मंशा है उसके को ध्यान में रखते हुए दुआ है। देखो राम ही नयन भरी तजी इजिरिसा मृदु कहू लखन रास पावक प्रबल जानी सलभ जनी हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर राम जी की छवि को देख लो, लक्ष्मण का क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जिस प्रकार अग्नि के चारों तरफ पतंगा मंडराता है और बाद में उसी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तुम लक्ष्मण के क्रोध को देख लो, जिसका बड़ा भाई ऐसा है उसका छोटा भाई कैसा होगा। और राम जी के दर्शन करो और अपना जीवन सुधारो, नहीं तो लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि में तुम पतंगे के समान जल के भस्म हो जाओगे। इस प्रकार के प्रवचन भी कहे, साधुओं ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन मूढ़ बुद्धि। बैन तय बल जिमी चह कागु जिमी ससु चहे नाग अरि भागु, जिमी चह कुसुल अकारण को ही सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपनी कुशल चाहे शिव जी से विरोध करने वाले सब प्रकार की संपत्ति चाहे। अब देखिए इसमें कितना अच्छी बात बताई गई है कि क्या गरुड़ का जो भोजन है वो कोई कौवा खा सकता है, नहीं। क्या सिंह का जो भोजन है वो किसी खरगोश को प्राप्त हो सकता है, नहीं। उसी प्रकार शिव धनुष को तोड़ने के लिए जिस प्रकार का इन्होंने घमंड दिखाया उसके आगे तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, और इससे भी बुरा हो सकता है यदि तुम इस प्रकार की मूर्ता नहीं छोड़ते हो तो। लोभी लो लुप कल कीरत चही अल अंकलंकता अक लंकता की कामी लही, हरि पद विमुख परम गति चाह तस तुम्हार ला लचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे कामी पुरुष मनुष्यता चाहे क्या पा सकता है, और जैसे श्री हरि के चरणों के विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। क्या कामी पुरुष कभी कामी मनुष्य कभी निष्कलंकता को प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार काम से भरा व्यक्ति अगर कहे कि ये निश्चल है निष्कलंक है तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता, और जिस प्रकार लालची और लोभी व्यक्ति को सुंदर कीर्ति प्राप्त हो सकती है
संभव ही नहीं है। उसी प्रकार श्री हरि के चरणों से मुमुक्ष होकर तुम्हें परम गति प्राप्त भी नहीं होगी, और सीता जी का चाह तो तुम्हारी इस गति की तरफ तुम्हारे बाधा बन जाएगी। कालाहलु सुनिसी असकानी, सखी जवाई गई जहरानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेहु वरत नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई, तभी सखियों उन्हें वहां से लेकर गई जहां रानी सीता जी की माता थी। उन्हें तुरंत रानी निवास में ले जाया गया, क्योंकि उस तरह के कोलाहल में स्त्रियों का रहना उचित नहीं था। श्री रामचंद्र जी के मन में भी सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले। सीता जी के प्रेम को अपने मन में लिए श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के पास चले। अब देखिए, इसी को कहते हैं शील, शिक्षा और संस्कृति। जो दूसरे राजा थे वो अहम में भरे हुए थे, अहंकार में भरे हुए थे, तो उन्हें शिव धनुष की महिमा पता नहीं थी। तो ना तो उन्होंने उसको शिव नवाया, ना ही किसी को मतलब उन्होंने अपने से बड़ा समझा, और डायरेक्ट ही धनुष को तोड़ने के लिए पहुंच गए। जबकि हमारे श्री राम ने अपने देवताओं को, अपने इष्टों को याद किया, अपने गुरु को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया, शिव धनुष को प्रणाम किया, उसके पश्चात उन्होंने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई, तो उन्हें उस चीज की सफलता मिली। अब इस प्रकार के वातावरण में सीता जी का रहना भी उचित नहीं था, तो सीता जी तुरंत सखियों के साथ रानी निवास में पहुंचा दिया गया। रामचंद्र जी उनके प्रेम को अपने मन में बसाए हुए, और फिर बिना किसी वाद विवाद के, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बिना किसी वाद विवाद के अपने गुरु के समक्ष चले गए, गुरु के पास चले गए। अब जो गुरु आज्ञा देंगे वही वो करेंगे, बिना आज्ञा के वो कभी एक कदम भी नहीं उठाया उन्होंने आज तक। तो इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि मर्यादा की जो सीमा है, जो रेखा है, उन्होंने ही बनाई है, और उसे हर पुरुष को पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार पृष्ठ संख्या मैंने 242-43 पूर्ण कर ली है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।